लो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट बॉय। और दवाइयों पर ये जो लाइन होती है उसे डिबॉस लाइन कहते हैं। लेकिन आखिर ये होती क्यों है और क्या आपको पता है? शायद पता ही होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर ये महिला कौन है और जब कोई बंदा चांद पर जमीन खरीदता है तो आखिर वो पैसे देता किसे है। और आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, लेकिन सिर्फ 36 ही क्यों, 32-35 क्यों नहीं? तो देखते रहो मेरा ये वीडियो जैसे अभी देख रहे हो। नंबर 1। अब भाई लोग, आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को 1881 में गिफ्ट किया था, क्योंकि फ्रांस को आजादी दिलाने में अमेरिका का अहम योगदान रहा है। और ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को असल में कॉपर से बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीडेशन के चलते इस ब्राउन कॉपर पर ग्रीन लेयर आ गई और उस स्टैचू के सारे पार्ट को फ्रांस से अमेरिका ले जाते समय 300 अलग अलग टुकड़ों में ट्रांसपोर्ट किया गया था और उस पार्ट को बनने में ही 9 साल का समय लग गया था। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर ये फेस है किसका? तो बता दूं आपको, ये किसी का फेस नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बना दिया गया था। लेकिन अगर ये फेस रियल में होता तो वो कुछ ऐसे दिखता। नंबर 2। आप में से 90% लोगों ने स्टारबक्स के लोगों को तो गौर किया होगा, पर बता दूं आपको, वो लेडी एक जल परी है। और जल परी को ही सिलेक्ट करने का कारण ये है कि बहुत पहले स्टारबक्स कॉफी को दूसरे देशों में बाय वाटर शिप में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो भाई लोगों भी पानी से रिलेटेड होना चाहिए और इसीलिए ये जलपरी वाले लोगों को सिलेक्ट किया गया। और अगर इसी लोगों को बैक साइड से देखा जाए तो वो जलपरी कुछ ऐसी दिखेगी। नंबर 3। चांद पर जमीन खरीदोगे, लेकिन वो कैसे? तो भाई लोग जरा इसे ध्यान से सुनना। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट है जैसे कि लूनार रजिस्ट्री, lunarland.com एक्सेट्रा, जो कि चांद पर सिर्फ $37.50 यानी कि 1800 रुपए में लगभग 4000 स्क्वायर मीटर की जमीन बेचती है। लेकिन कोई भी बंदा उस पर अपना हक नहीं जमा सकता, वो तो सिर्फ एक एग्रीमेंट बन जाता है कि आपकी भी चांद पर कोई जमीन है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नंबर 4। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में पूछा कि सिर्फ 36 ही क्यों, 32, 35, 22 क्यों नहीं, तो इसका आंसर खुद 36 नंबर में छिपा है। कोई भी दो डिजिट का नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 32। अब देखो, ये जो 3 है ना, उसका फेस लेफ्ट साइड में है, मतलब ऐसा समझो कि 3 इस 2 से रूठा हुआ है और ये 2 इसे मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 का फेस लेफ्ट साइड में है और वो इस 3 को ही देख रहा है। और ऐसे ही कोई भी दो डिजिट नंबर ले लो, हर केस में ऐसा ही होगा। अब जैसे कि ये 43, ऐसा लग रहा है कि ये 4 इस 3 से रूठा हुआ है और ये 3 इसे मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 36 नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों का फेस अलग अलग डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे से गुस्सा है और कोई भी किसी को मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। नंबर 5। एसी ऑन करने से आपको गर्मी से थोड़ा राहत तो मिल जाती है, लेकिन इससे आपको कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, क्योंकि भाई लोग ज्यादा देर तक एसी में रहने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना मांगता है। और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अलावा जॉइंट पेन, मसल पेन भी हो सकते हैं। नंबर 6। अब भालू, आप लोगों ने भी टैबलेट पर ये लाइन तो देखी होगी और ये उन्हीं पर होती है जो दवाई ज्यादा पावर वाली होती है, और उस ज्यादा पावर वाली दवाई को डॉक्टर आधा खाने को कहते हैं, स्पेशली बच्चों को। तो उस लाइन की वजह से इस टैबलेट को आधे हिस्से में ही ब्रेक करने में काफी आसानी होती है, और ये लाइन अगर किसी टैबलेट पर नहीं है तो मतलब वो दवाई पूरी खानी है और ये ज्यादा पावर वाली भी नहीं है। नंबर 7। 2007 में स्टीव जॉब्स आईफोन को पहली बार जब दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वहाँ बैठी हुई ऑडियंस को हंसाने के लिए उन्होंने स्टारबक्स कंपनी के साथ प्रैंक ही कर डाला। उन्होंने स्टारबक्स को फोन लगाया और 3000 कॉफी का ऑर्डर दिया, और फोन पर जो लेडी थी, मानो ये सुनकर वो तो एकदम बावली हो गई। Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. But last में उन्होंने wrong number कहके cut कर दिया, और ये देखकर वहाँ बैठी audience जोर-जोर से हंसने लगी। वाह, मतलब Steve Jobs लोगों को entertain भी कर सकते थे, ये तो उस समय मालूम पड़ा। Number 8। 9 कंट्री से पास होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और dangerous जंगल Amazon को अभी तक जो भी पार करने गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि इसमें कई तरह के एनिमल्स हैं जो आपके शरीर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भालू, क्या आपको पता है कि इसी जंगल में एक ऐसी भी नदी है जिसका पानी लावा की तरह उबलता है? वो पानी इतना गर्म है कि उससे आप खाना भी पका सकते हो, और साइंटिस्टों का मानना है कि पूरे धरती की गर्मी इस नदी के जरिए बाहर निकलती है, तभी ये पानी इतना गर्म रहता है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।